वो जो दूरी या गैप की बात हम करते हैं, वो दूरी की वजह हमेशा पुलिस नहीं होती है। कुछ हद तक हो सकता है कि कोशिश में इजाफा करी जा सकती थी, पर हम सब लोगों को पता है इस बात का कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप जो होते हैं या बड़े होते हैं, वो हमेशा चॉकलेट की बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में आपको लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ कड़वी कदम लेते हैं औरों की अच्छाई के लिए। तो एक माहौल में हम सब लोगों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कोई अगर कदम उठाया है, अब उस कदम के साथ साथ एक कड़वापन पैदा होता है। उसको अगर आप इशारा कर रहे हैं तो वो उस माहौल में बहुत सारे फैक्टर्स है। अब वो इसको यहाँ पे वो अपने आप में एक थीसिस होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपकी सवाल जो है वो फिर अपने आप में एक चैप्टर बनेगा, एक डिस्कशन के लायक बनेगा, इसमें सिंपोजियम और सेमिनार्स भी किए जा सकते हैं। पर हाँ, इस बात की ज़रूर हमें एहसास है कि कोई भी काम पुलिस का बगैर आवाम का नहीं हो सकता है, इस बात की एहसास है। तो और हमको इस बात की भी एहसास है कि हम सब हर चीज़ की हल नहीं कर सकते हैं। हमेशा दो पार्टीज होते हैं, जब जज भी फैसला लेते हैं, एक हिसाब से पुलिस हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पे एक क्वासी जुडिशियल काम तो करता ही है। थाने में कोई आता है अगर, तो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट लेके आता है, तो उसमें एक क्वासी जुडिशियल FIR दर्ज करना है नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल हाफ एडजुडिकेटिंग टाइप का काम होता है। तो उसमें एक के हक में होता है, एक के हक में नहीं होता है। ये काम ही ऐसी है कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, पर इंसाफ देने के लिए अपना नियत अगर साफ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम सुनेंगे, हम हर एक का FIR दर्ज करें। कल फिर चोर आके कहे हमें कि साहब छोड़ दो हमें, तो फिर दूसरे का क्या करेंगे? तो हमारा काम बड़ा कठिन है, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा। तो उस कठिन काम में हम इस चीज़ की गारंटी लेना चाहेंगे कि हम ध्यान से सुनेंगे, और हिंदी में एक लफ्ज़ है पक्षपात, यानी कि गलत तरफदारी नहीं करेंगे, कानून के साथ रहने वाले का तरफदारी करेंगे, और जो कानून खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ चलेंगे। ये हमारा फर्ज है, तो उसको निभाएंगे। उसको चलते चलते अगर हमसे कहीं पे समझने में गलती हुई है या जानबूझ के भी गलती हुई है, उसको भी सुधारेंगे। देखिए ऐसा है, पुलिस को पुलिसिंग करना ही पुलिस करता है, और कहाँ से आएगा? जितने पिछले दिनों में हमने कार्रवाइयाँ की है पुलिस को, पुलिस में भी अगर कहीं गलती हुई है तो हम ही ने सुधारा है, बाहर से तो कोई आता नहीं है। वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं, केसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं।
कहाँ कहाँ किस किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 कैसे, जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौराने नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है उसमें बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा कभी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रिड्रेसल ग्रांस ऑफ माय ओन फैमिली व्हिच इज़ वेरी वेरी लार्ज स्प्रेड ओवर सच, इट इज़ रिड्रेसल ऑफ पीपल हु फाइंड दैट परहैप्स सम इवन इफ इट बिलोंग्स टू अनदर डिपार्टमेंट बट मे बी कनेक्टेड वेयर वन कैन redress the grievances like the SRO 43 case which I said for technical वो एक, then there are cases जहाँ पर उनको लगता है कि investigation और अच्छा हो सकता था या कमजोरी रही या कुछ, तो सीधे आके एकदम से एक आम आदमी को कई बार लगता है कि साहब ये तो पुलिस ही करेगी, हमको लगता है ये तो सिविल डिस्प्यूट है, तो ये जो इशू है बिकॉज ऑफ आर लॉ प्रोसेसेस आर वेरी लेंदी, वेरी प्रोट्रैक्टेड, वेरी कम्बरसम, तो लगता है कि सब पुलिस के पास जाएंगे तो हो सकता है फट से हल निकल आएगा। नहीं, वेयर इज दिस, मैंने 52% आपने सिर्फ शायद फिजिक्स गिना, केमिस्ट्री में गिनो ना, उसमें 90 नंबर है हमारे, स्टोन पेल्टिंग में हमारा 0 है। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना, वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको, कहाँ से आपने 52 दिया, और अच्छे नंबर चाहिए हमें ओवरऑल। उसी देखिए, इफ़ यू आई मीन अगर आप मुझे पूछते हैं ये बात, सिक्योरिटी सिचुएशन की मेज़रमेंट में हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है कि स्टोन पेल्टिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, हमारा हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वॉज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मैने बैड गवर्नेंस, मैने हाँ पुअर सर्विसेज, सरकार की उस पर कम था, दूसरा चीज हमेशा आप उस पर घुस जाते थे, तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से ऑर्डर है तो उससे सबों की सहूलियत है, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, दुकानें खुली रहती है, टूरिज्म होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री होती है, तो वो तो है, उससे इनकम बढ़ती है सोसाइटी की, घर में ज़्यादा सहूलियत आती है, तो दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब एकदम से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना 30 साल की, आज somebody said to silence the last gun it would take time।